बिलासपुर जिला के झंडुता क्षेत्र में एक पालतू गाय को विस्फोटक पदार्थ खिलाकर घायल करने के मामले में आरोपी व्यक्ति नंदलाल को 3 दिनों की पुलिस रिमांड के बाद जिला न्यायिक परिसर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के न्यायालय में पेश किया गया था, जहां नंदलाल को 22 जून तक 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि झंडुता क्षेत्र के ढाहड़ गांव के रहने वाले गुरदयाल सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करते हुए पड़ोसी नंदलाल द्वारा उसकी पालतू गाय को विस्फोटक पदार्थ खिलाकर घायल करने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद 6 जून को झंडुता पुलिस द्वारा पड़ोसी नंदलाल को गिरफ्तार कर लिया गया था और 7 जून को बिलासपुर जिला न्यायालय के सिविल जज के समक्ष पेश किया गया था, जहां उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया था, जिसके बाद बिलासपुर पुलिस द्वारा अपनी कार्रवाई को पूरा करते हुए नंदलाल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं जिला पुलिस प्रवक्ता DSP संजय शर्मा ने पूरे मामले की पुष्टि की है। झंडुता थाना के अंतर्गत गाय को जो है वो घायल करने का जो मामला सामने आया था और जिसमें जो है पुलिस ने अभियुक्त को जो है वो गिरफ्तार किया था और जो आज तक जो था पुलिस रिमांड पे था, उसे रिमांड खत्म होने पर जो है वो आज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बिलासपुर के न्यायालय में पेश किया गया, जहां अदालत ने जो है वो अभियुक्त को जो है वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत 22 जून तक जो है वो न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो जेल में अभियुक्त को भेज दिया गया है और पुलिस की जाँच जो है वो अब तकरीबन जो है पूरी हो चुकी है। हमने सारे इस प्रकरण का जो है वो खुलासा कर दिया।